सादर नमस्कार। मैं सभी भारतवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना महामारी के चलते हम कई जगह पर इतने उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व नहीं मना पा रहे, लेकिन फिर भी हम कई जगह पर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं चाहता हूं कि हम कुछ संकल्प भी लें हमारे जीवन में। पिछले साल जो पूरी एक काली साल रही, उस साल में हम कुछ नहीं कर पाए। हम घरों में छुपकर बैठे रहे, हम महामारी से डर कर बैठे रहे, तो हम इस से आज कुछ बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन भी आ गई है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हमें इसके साथ में एक चीज का संकल्प और लेना चाहिए कि जिस तरीके से हम दिन ब दिन आगे बढ़ते आए हैं, इस महामारी से निकलते आए हैं, उसी तरीके से हमें हमारे चरित्र को भी पूरी लगन और मेहनत से रोज चमकाया जाए। बुराइयों के मैल से किस तरीके से दूर रखा जाए अपने आप को, यह संकल्प लेना चाहिए। साथियों, मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो कहानी है रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस को आप भली भांति जानते हैं, उनके बारे में आपने भली भांति सुना होगा। तो रामकृष्ण परमहंस साहब क्या किया करते थे कि प्रतिदिन अपना जो लोटा रहता था, वो लोटे को राख से या मिट्टी से मांझकर खूब चमकाते थे और उनका लोटा खूब चमकता था। उनके एक शिष्य को रामकृष्ण परमहंस की ये प्रतिदिन इतनी मेहनत से लोटे चमकाने की जो ये डेली चमकाने की जो ये कहानी थी, ये उनको कुछ अजीब लगी, कुछ विचित्र लगी। कई दिनों तक वो लोटे को चमकाता हुआ देखते रहे और चिंतित हो गए शिष्य। आखिर एक दिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया कि महाराज, आपका लोटा तो वैसे ही खूब चमकता है, इतना चमकता है कि इसमें हम अपनी छवि भी देख लें, इसमें हम अपनी तस्वीर देख लें, यह दर्पण की भांति चमकता है। फिर रोज रोज आप इसे मिट्टी और राख से और जूने से मांजने में लगे रहते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इस लोटे की चमक एक दिन की मेहनत से नहीं है, इसमें रोज रोज जो धूल जम जाती है, जो मैल जम जाता है, उसको डेली की मेहनत करके हटाना पड़ता है, इस मैल को दूर करना पड़ता है। साथियों, कितनी जबरदस्त बात है कि ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई ऐसी बुराइयां, कई ऐसे बुरी आदतें और इस कोरोना महामारी के कारण जो हमारे पिछले टाइम से लेकर लेजीनेस जो लोगों के अंदर आ गया है, वो पनप रहा है। संस्कारों के अंदर बुराइयां पनप रही है। साथियों, हमें दिन प्रतिदिन यह संकल्प लेना चाहिए, केवल झंडा ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, यह कहने से ही नहीं, इन शब्दों के भाव को समझना चाहिए। इस पवित्र लाइंस का मतलब समझना चाहिए। यह जो हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसमें हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का गायन करते हैं, तो केवल वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन का गायन करने तक ही सीमित नहीं, उसे हमारे संस्कारों में,
हमारे विचारों में, हमारे चरित्र में पनपने देना चाहिए। हमारे चरित्र में दिन प्रतिदिन सुधार लाना चाहिए। हमारे संस्कारों को, जो बाहर की बुराइयों से कभी कभार उन पर पर्दा पड़ जाता है, तो उन्हें दिन प्रतिदिन मांजना चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए, उन धूल को हटाना चाहिए। साथियों, लोटा हो या मनुष्य का जीवन, उसे बुराइयों के मैल से बचाने के लिए हमें दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी इसकी चमक बची रह सकती है, तभी हमारी शान बची रह सकती है, तभी हमारे संस्कार बचे रह सकते हैं। साथियों, इस गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लिया जाए कि हम सच्चे दिल से हमारे देश का सम्मान करेंगे, हमारे संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान में लिखित उन हर चीजों का सम्मान करेंगे जो हमें गर्व से सर ऊंचा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसी के साथ मैं चार लाइनें सुनाना चाहूंगा साथियों, कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें, तालियां बरसती रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।